आज हम आपको गिनी पिग के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। गिनी पिग क्या हैं, कहाँ से हैं और क्या खाते हैं और इनकी केयर कैसे करते हैं। पिग एक बहुत ही पॉपुलर पालतू जानवर है जो कि अब इंडिया में भी पाला जाता है। इसे कैवी और डोमेस्टिक कैवी भी कहते हैं। जैसे कि इनका नाम गिनी पिग है, ना तो ये गिनी से हैं और ना ही ये पिग हैं। यह एक रोडेंट हैं जो कि चूहे की तरह होते हैं। यह तो बहुत ही सोशल और क्यूट एनिमल हैं जो कि साउथ अमेरिका से हैं। पेरू में इनको खाने के लिए भी पाला जाता है। एक एडल्ट गिनी पिग 8 से 19 इंच तक हो सकता है। इनका वज़न 850 ग्राम से 1200 ग्राम हो सकता है। इनका प्रेगनेंसी पीरियड 59 डेज से 72 डेज का होता है। इनका लाइफ स्पैन 6 से 8 साल तक का होता है। गिनी पिग की 13 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है अमेरिकन गिनी पिग जो कि इंडिया में भी पाला जाता है। अब बात करते हैं इन्हें रखने की, तो एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, गिनी पिग 2 से 3 महीने की एज में मैच्योर हो जाते हैं और बहुत जल्दी ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। ये 1 लीटर में एवरेज 4 बच्चों को जन्म देते हैं। अब तक 1 लीटर में 13 बच्चों का रिकॉर्ड है। मैं रिकमेंड करूँगा या तो आप इन्हें पेयर में रखें और ब्रीड कराएं। अगर आप इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखना चाहते तो आप इन्हें सेम सेक्स के रखें, पर इन्हें अकेला बिल्कुल ना रखें। यह अकेले में बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। इन्हें ना ज़्यादा गर्मी पसंद और ना ही ज़्यादा सर्दी पसंद, और यह थोड़े शाई टाइप के होते हैं। तो आप जब इन्हें शुरू में लाएंगे तो यह आपसे थोड़ा डरेंगे, पर धीरे धीरे ये आपके साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब बात करते हैं इनके केज की। इनके केज में नीचे एक सॉलिड बॉटम हो प्लास्टिक का, इनके लिए एक आइडियल केज साइज जिसकी लंबाई 47 इंचेस, चौड़ाई 24 इंचेस और ऊंचाई 15 इंचेस रखें। आप केज ऊपर से बंद ही लें क्योंकि कुत्ते बिल्ली वगैरह से इनका बचाव हो जाएगा, और इन्हें थोड़े हिडन प्लेसेस केज में दें, जैसे कि बॉक्स, एल्बो पाइप्स वगैरह रखें जिसमें यह छिप सकें और खेल सकें। और इनका केज थोड़ा शांत जगह रखें जहां ये कम शोर शराबा हो। अब बात करते हैं इनके खाने की। इन्हें ताजे फल और हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी घास और हरा चारा दे सकते हैं, और बहुत सी कंपनी के रेडीमेड फूड आते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। इन्हें विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप इन्हें ऐसे फल सब्जी दें जिसमें विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में हो, और रोज़ इन्हें साफ पानी दें। भगवान ना करे कि आपका गिनी पिग कभी बीमार हो। अगर आपका गिनी पिग थोड़ा भी बीमार है तो डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आप खुद कोई एंटीबायोटिक देंगे तो वह है इसके लिए जहर का काम करता है। तो डॉक्टर की सलाह के बिना इन्हें कोई भी एंटीबायोटिक दवाई ना दें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं जानवरों से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए।